आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, डीआईबी श्री अरविंद कुमार जी, डीजीबीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक लंबे समय तक बीपीआरएनडी की कमान संभालकर इसकी गति को बरकरार रखा, ऐसे श्री वीएस कौमुदी जी, एडिशनल डीजी बीपीआरएनडी श्री नीरज सिन्हा जी, आज यहाँ उपस्थित वर्चुअल तरीके से और फिजिकल तरीके से उपस्थित सभी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज बीपीआरएनडी के 51वें स्थापना दिवस पर मैं यहाँ पर आया। सबसे पहले तो ढेर सारे पदक हमारे बहुत सारे पुलिस परिवार के अलग अलग कक्षा के अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले हैं। कुछ संस्थानों को भी उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए पदक मिला है और विशेषकर सुश्री मीराबाई हमारे बीच में उपस्थित है, देश का नाम रोशन कर वो पुलिस परिवार की सदस्य भी बनी है, वो भी उपस्थित है। वो सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका जो सातत्य है, श्रम है और निष्ठा है उसकी अनुमोदना भी करता हूँ, उसके लिए उनको साधुवाद भी देता हूँ। मित्रों, आज बीपीआरएनडी का 51वां स्थापना दिन है। कोई भी संस्था हो वो अपने क्षेत्र के अंदर 51 साल तक अपनी रिलेवेंसी बना सकता है, बनाए रखता है, तो उसका मतलब है उसके काम की प्रासंगिकता भी है और उसके काम में दम भी है। बीपीआरएनडी ने दोनों चीजों को सीखा। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, मैं मेरे जीवन में लगभग 80 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूं, छोटे से छोटे खादी का काम करने वाली बहनों की संस्था से लेकर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन तक, मगर कोई भी संस्थान ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि समय निरंतर बदलता रहता है और समय के अनुरूप संस्थाओं को भी बदलना पड़ता है। जो संस्थान इस दृष्टि से अपने आप को बदलता है, सातत्यपूर्ण परफॉर्मेंस करता है और परिश्रम करता है, वो ही काल की इस स्पर्धा के अंदर काल जयी बनता है। 51 साल का ये कालखंड बीपीआरएनडी को शायद आम जनता को पूछे क्या है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मगर मैं समझता हूं कि बीपीआरएनडी का काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए जब मैं पहली बार बीपीआरएनडी में आया था, तब मैंने विजिटर्स बुक में लिखा था कि बीपीआरएनडी के बगैर अच्छे पुलिसिंग की कल्पना ही नहीं हो सकती। मित्रों, बीपीआरएनडी एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संघीय ढांचे में हमने संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसमें केंद्र सरकार होती है, कई राज्य सरकारें होती हैं, यूटीज होते हैं और इसके काम के विभाजन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय। जब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय बनता है और संघीय ढांचे को मजबूती देनी है, तब सभी राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब कि पुलिस
और उसके आनुषंगिक संगठनों को जोड़ने वाली एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो चुनौतियां होती है वो देश के परिप्रेक्ष्य में आती है, सरकारें होती है अलग अलग पार्टी की, अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की होती है, कई बार क्षेत्रीय दलों की भी होती है, केंद्र में सरकारें कई बार मिली जुली आती है, कई बार एक दल की आती है। इस सब के हटकर अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपनी चुनौतियों के लिए सुसज्ज बनाना है तो उसके लिए उसको जोड़ने वाली एक कड़ी चाहिए, अदरवाइज ये कड़ी की उपलब्धता नहीं है तो देश का लॉ एंड ऑर्डर बिखर जाएगा। और मैं मानता हूं कि 51 साल में बीपीआरएनडी ने देश में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सभी राज्यों को जोड़ने वाली कड़ी का काम बहुत बखूबी किया है और अच्छी तरह से। बने असंभव था कि देश के सामने जो कानून और व्यवस्था की चुनौतियां मिली, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून, कुछ केंद्रीय कानून, कोई सीमावर्ती राज्य है, कोई बरोबर मध्य में राज्य है, कोई सागर किनारे से छूटा हुआ राज्य, ये सारी चैलेंजेस को मिट मिट करना हर एक राज्य के लिए संभव नहीं है। जब तक कोई केंद्रीय व्यवस्था ये सभी चुनौतियों का आकलन करते हुए, इसके वैश्विक मापदंडों का अभ्यास करते हुए भारत के पुलिस बल को अपग्रेड करने के लिए हर दिन रात काम न करे, ये संभव नहीं है। और मैं मानता हूं 50 साल तक काम ये बीपीआरएनडी ने किया है, इसलिए सभी फॉर्मर डायरेक्टर भी यहां बैठे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना। मित्रों, हमने आजादी के बाद गणतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र हमारे देश का स्वभाव है। कोई कहेगा कि 15 अगस्त 1947 को और संविधान की स्वीकृति के 50 के बाद अगर लोकतंत्र आया है तो ये सही नहीं है। लोकतंत्र हमारे प्रजा मन का एक स्वभाव। पहले भी गांव में पंच परमेश्वर कहते थे, हजारों साल पहले द्वारिका में यादवों का गणराज्य चलता था, बिहार के अंदर कई सारे गणराज्य थे, और लोकतंत्र ये हमारे देश का स्वभाव है। मगर एक तरह से सोचे तो हमने लोकतंत्र को आजादी के बाद अपनाया, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल आता है तो सीधा कानून और व्यवस्था से के साथ जुड़ता है। लोकतंत्र का मतलब कोई पार्टियों को वोट देना और पार्टियों की सरकार बनाना नहीं, तो व्यवस्था का एक हिस्सा। लोकतंत्र का साफल्य क्या है, लोकतंत्र का फल क्या है? लोकतंत्र का फल है कि 130 करोड़ लोगों को अपनी अपनी क्षमता और बुद्धि के अनुसार अपने आप को विकसित करने का मौका मिले, और 130 करोड़ नागरिकों के विकास की क्यूमुलेटिव इफेक्ट का फायदा देश को मिले और देश का विकास हो, वही लोकतंत्र। और अगर कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। सफल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में उसको जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार निर्बाध रूप से उसको मिलते रहे। कानून ने जो कर्तव्यों को, संविधान ने जो कर्तव्य को स्पिरिट से उस पर डाला है उसका भी वो निर्वहन करता रहे, और ये दोनों को मिल मिलाकर देश का विकास आगे बढ़ता रहे। मगर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है, और कानून और व्यवस्था ठीक रखने का काम देश की पुलिस करती है, देश की सीमा सुरक्षा में जुटे हुए सभी बल करते हैं, और ये सभी बलों को, सभी पुलिस के संस्थानों को चालक बल, मतलब उनको अपग्रेड करने का, उनको ट्रेनिंग करने का, उनकी खामियों को दिखाने का, बोले बगैर खामियों को सुधारने का काम बीपीआरएनडी ने किया है। कई बार मैं लोकतंत्र की बहस देखता हूं, संसद, विधानसभा,
न्यायालय, चुनाव आयोग, सीएजी, विजिलेंस कमिश्नर, बहुत उसकी चर्चा होती कि इन लोगों ने लोकतंत्र को सफल बनाया है। इसलिए नहीं कि मैं गृहमंत्री हूं, मैं बचपन से सोचता हूं कि लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान वो बीट के कांस्टेबल का है जो नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित, वरना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। मगर न जाने किन कारणों से पुलिस की इमेज को ढेर सारे तरीकों से खंड खंड करने का एक, जैसे कह सकते हैं कि अभियान भी चला। कुछ घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाना, अच्छी घटनाओं को प्रसिद्धि नहीं देना। मैं कई बार बोला हूं, आज फिर से बोलना चाहता हूं कि सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। मैंने कई बार दीपावली की रात को जब बाहर निकलते हैं, कांस्टेबल ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं, मेरे मन में छोटा सा सवाल आता है, इसके लिए दीपावली नहीं है क्या? कोई बहन राखी बांधने के लिए जाती है और अपने भाई को राखी बांधकर सुरक्षित वापस आती है और वहां पर कोई कांस्टेबल को व्यवस्था करते हुए देखते हैं तो बहन के मन में सवाल क्यों नहीं आता कि इसकी बहन राखी नहीं बांधना चाहती क्या? होली हम लोग सब लोगों के लिए त्योहार है, सब लोगों के लिए। पुलिस के लिए होली कानून और व्यवस्था संभालने का विषय है, चाहे जन्माष्टमी हो, ईद हो, मुहर्रम हो, हर जगह पे इतनी कठिन कामगिरी शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी की, अधिकारी की हो। ना काम के घंटे तय होते, ना काम में सुनिश्चितता होती। मैंने देखा इनके शरीर पर भी बहुत असर पड़ती है मगर इसका एक्नोलेजमेंट बहुत कम हुआ है। बहुत समय के बाद जब कोरोना का कालखंड आया, मैंने देश के छोटे से बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री जी को पुलिस बल की सेवाओं को कोरोना कालखंड में पुरस्कृत करते हुए शब्दों से नवाजते हुए देखा और प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर से पुलिस बल पर जब पुष्प वर्षा करने का काम किया तब मुझे लगा कि आज पहली बार पुलिस बल को एक घटना के कारण इतनी सारी प्रशंसा मिल रही है। मैं आज बालाजी यहां बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पुलिस की इमेज बिल्डिंग के लिए बीपीआरएनडी ने विशेष काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूं ये आपके मैंडेट का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर असम तक कई सारे पुलिस के लोगों ने, हमारे अलग अलग स्तर के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। इसका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री भी बननी चाहिए और एक ये अच्छा काम क्षणजीवी नहीं होना चाहिए। ये अच्छा काम लिंगरिंग टेस्ट में कई सालों तक समाज और देश याद रखे, इस प्रकार की व्यवस्था बीपीआरएनडी ने सब राज्यों के पुलिस बल को साथ में रखकर, सब सीएपीएफ को साथ में रखकर करनी चाहिए क्योंकि पुलिस की कुर्बानी, पुलिस का बलिदान एक कम चर्चा का विषय होता है मगर आज यहां रहकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो 35,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों ने विभिन्न कामों के अंदर अपने जान का बलिदान दिया है। शायद भारत के सभी युद्धों में 35,000 लोग नहीं मारे गए मगर इस 75 साल में 35,000 पुलिस के जवानों को शहादत दी है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश के लिए अपना जान न्योछावर किया है। और इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस स्मारक की रचना की और वो आज उन्नत होकर दिल्ली के बीच में है, जो बताता है कि पुलिस 35,000 बलिदानों के साथ, गौरव के साथ, आने वाले कई सालों के साथ देश की सेवा में खड़ी है। मैं जब पुलिस स्मारक पर गया था तब भी मैंने कहा था कि यहां पर देश भर के अच्छे बलिदानों का एक डॉक्यूमेंट्री बने हर राज्य से और
इसको जब बच्चे यहाँ आए तो दिखाया गया। लगभग 16 राज्यों ने बच्चों के जो टूर होते हैं इसके अंदर अपने पुलिस मार्ग को समाहित कर दिया है, परंतु कोरोना के कारण बाद में टूर ही नहीं हुए। दिल्ली सरकार ने भी टूरिस्ट स्पॉट में इसको समाहित किया। अब जब लोग आएंगे तो उनको दिखाने के लिए मटेरियल चाहिए। सभी राज्य सरकारों से संकलन कर बीपीआरएनडी ये इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज का अपना एक अच्छा मटेरियल तैयार कर सकते, सरदार कोर्ट से लेकर आज तक। और मैं मानता हूं ये हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है, और बीपीआरएनडी ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आज मीराबाई यहां उपस्थित है, मैंने जब स्टेज पर उनसे मुलाकात हुई तो उनके भविष्य बहुत मंगल हो ऐसी शुभकामनाएं दी है, और जब मीराबाई आपको पदक मिला देश के प्रधानमंत्री से लेके देश के छोटे से छोटे व्यक्ति तक सब लोग आपके प्रदर्शन पर गौरव कर रहे थे, ताली बजा। और जब मैंने सुना कि आप ट्रेनिंग के लिए जाती थी तब ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर जाती थी, तब मुझे लगा कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कितना करना अभी बाकी है, मगर फिर भी आपने बहुत संघर्ष किया। आपके कोच भी आए हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और आपको आगे पर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि चांदी से संतोष मत करिएगा, आप गोल्ड लेकर आइए, पूरा देश उसकी राह देख रहा है। मित्रों, बीपीआरएनडी एक ऐसा संस्थान है जिसने ढर्रे में नहीं फंसना चाहिए। बीपीआरएनडी ने चुनौतियों के हिसाब से अपने काम को बदलना चाहिए, क्योंकि बीपीआरएनडी का एक मुख्य काम है चुनौतियों को निपटने की पुलिस बल की तैयारी कराना, और चुनौतियां स्थायी नहीं होती, देश के समक्ष चुनौतियां बदलती रहती। शायद बीपीआरएनडी की स्थापना के वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो चुनौतियां होगी वो आज सबसे कम प्रायोरिटी वाली चुनौती होगी, निस्तनाबूद तो नहीं होती मगर सबसे कम है। आज साइबर अटैक सबसे बड़ी चुनौती, ड्रोन अटैक सबसे बड़ी चुनौती, नार्कोटिक्स का स्मगलिंग सबसे बड़ी चुनौती है, फेक करेंसी सबसे बड़ी चुनौती, हवाला रैकेट सबसे बड़ी चुनौती है। ये सब के लिए बदलती चुनौतियों को नापकर इसकी तैयारी करना और विश्व भर में इस चुनौतियों को निपटने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसका अध्ययन कर हमारे देश भर के पुलिस बल को तैयार करना, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, परंतु मैं कहना चाहता हूं इसको और पैना करने की जरूरत है, इसमें द्रुत गति लाने की जरूरत, स्पीड बढ़ाने की। 2 साल पहले मैं बीपीआरएनडी में आया था, बेसिक पुलिसिंग, पुलिस रिफॉर्म और कई सारी चीजों पर मैंने बात करी थी। मुझे आनंद है कि मोडस ऑपरेंडी से लेकर कई सारी चीजों पर आपने इसको जमीन पर भी उतारा है और आगे भी ले जा रहे हैं, मगर अभी भी मेरा आग्रह है कि बीस्ट सिस्टम को रिवाइव करे बगैर बेसिक पुलिसिंग अच्छा नहीं हो सकता। बीट सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, बीस्ट सिस्टम को अपडेट करने के लिए, बीट सिस्टम का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए बीपीआरएनडी ने और काम करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का भू विभाग, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में आमूल चूर परिवर्तन करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज कर रहा है। मुझे कहते हुए आनंद है कि कौमुदी जी के नेतृत्व में बीपीआरएनडी ने भी इस पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। ढेर सारे लोगों से चर्चा कर ब्यूरो ने 14 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 8 सीपीओएस, 6 सीएपीएफ और 7 गैर सरकारी संस्थानों से चर्चा कर बहुत अच्छा तीनों एक्ट के अंदर सुझाव, बदलाव के सुझाव भेजे हैं।
इस पर काम चल रहा है, मगर मैं मानता हूं कि लास्ट टाइम मैं कह कर गया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको करा है और सीआरपीसी आईपीसी को ठीक तरीके से एमेंड करने के लिए वो बहुत सहायभूत होगा। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब बीपीआरएनडी के चार्टर के अंदर, मैंने कल चार्टर देखा था, कुछ चीजें जोड़ना भी चाहता। वैसे स्ट्रेच करें तो चार्टर के अंदर सीएपीएफ है ही, परंतु जिस प्रकार की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में चुनौती आज हमारे सामने आई है, मुझे लगता है सीएपीएफ का आधुनिकरण, सीएपीएफ का ट्रेनिंग, उसका संचालन और ऑपरेशन स्किल बढ़ाने के लिए बीपीआरएनडी ने काम करना चाहिए। गृह मंत्रालय जरूरी होगा तो आपके चार्टर के अंदर सुधार भी करेगा, परंतु मैं मानता हूं कि ये काम बीपीआरएनडी बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ में रखकर कर सकती है और ये करना चाहिए, क्योंकि ये नितांत जरूरी है कि हमारी भू सीमा और समुद्री सीमा दोनों सुरक्षित रहे और उसकी सुरक्षा में कोई कोताही न हो। मित्रों, मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बीपीआरएनडी ने हर रिफॉर्म का ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ है, इसकी एक व्यवस्था को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। ये व्यवस्था इंस्टीट्यूशनलाइज करे बगैर हमारे सुधार प्रैक्टिकल है या नहीं, हमारे सुधार के लिए हम जिसके माध्यम से सुधार को लागू करना है वो पुलिस बल को मोटिवेट कर पाए या नहीं कर पाए, ये जान नहीं सकते। तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था बीपीआरएनडी में होनी चाहिए कि देश भर में पुलिस रिफॉर्म जो होते हैं वो जमीन पर कितने होते हैं। पुस्तक लिखना भी अच्छी बात है, सर्कुलर निकालना भी अच्छी बात है, आरएनडी होना भी अच्छी बात है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात इसको जमीन पर उतारना होता है। तो इस पर भी बीपीआरएनडी ने एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ढेर सारे काम किए। हमने वैधानिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए बहुत बड़ा काम किया, ढेर सारे कानून हमने बदले, समयानुकूल करे और इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बल मिले, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की। जम्मू और कश्मीर का धारा 370 और 35 ए को निरस्त करना, अभी सीआरपीसी आईपीसी का पूरा परिवर्तन का काम हमने हाथ में लिया, काम बहुत बड़ा है, 2 साल से चल रहा है। साइबर सुरक्षा के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मोदी जी के सूत्र को गृह विभाग ने चरितार्थ करने का स्पिरिट के साथ प्रयास किया है। ये मैंने जो कहा है 4 लिंक के अंदर तहत एनआईए एक्ट में हमने संशोधन किया, शस्त्र अधिनियम में बदलाव किया, यूएपीए कानून में बदलाव किया, धारा 370 और 35 को समाप्त किया, नारकोट के माध्यम से 4 स्तरीय संरचना निर्माण कर नारकोटिक्स पर हमने बहुत बड़ी नकेल कसने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। और मैं बहुत मन से अच्छे भाव से कह रहा हूं कि देश भर की पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विगत 25 साल में सबसे ज्यादा नारकोटिक्स ये 2 सालों के अंदर पकड़कर अपना ही रिकॉर्ड किया, मगर इसके लिए ढेर सारे संस्थागत प्रयास किए गए। पूर्वोत्तर के अंदर बहुत सारे समझौते करे गए, एनएलएफटी का समझौता, भ्रू शरणार्थियों का पुनर्वसन, बोडो शांति समझौता और आज 4 बजे ही कार्बी आंगलोंग के साथ समझौता होने, लगभग 3,700 हथियारी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर
मेन स्ट्रीम में आने का काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं 3,700 लोग हथियार के साथ जंगल में जीते थे, ये 2 साल के अंदर सरेंडर हो गए। और हमारा लक्ष्य है कि जो हथियार डालेगा उससे संवाद कर हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा निष्ठा से प्रयास करेंगे। जिनके हाथ में हथियार है उसके लिए पुलिस अपने तरीके से जवाब दे सकते, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं, मगर जो हथियार डालकर डायलॉग करना चाहता है, संवाद करना चाहता है, उसके लिए रास्ते खुले। और सारे उग्रवादी संगठनों के साथ अलग अलग स्तर पर अभी बात, हथियारी संगठनों के साथ अलग अलग स्तर पर अभी बात चल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को नीचे तक पहुंचाने का, पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, 3 स्तरीय लोकतंत्र को लागू कर चुनाव कराकर डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर की जनता में परकोलेट करने का काम किया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र के मायने कुछ एमपी और कुछ एमएलए तक सीमित नहीं है, हर गांव के पंच सरपंच, हर तहसील पंचायत का बोर्ड है, हर जिला पंचायत का बोर्ड है। देखो 22,000 लोग इस व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा मोदी जी की सरकार का अचीवमेंट है। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना, एफएसएल यूनिवर्सिटी की स्थापना और आपराधिक न्याय प्रणाली, इसका सीसीटीएनएस के साथ इंटीग्रेशन करने का काम हुआ है। आईसीजेएस की 3 प्रणालियां सीसीटीएनएस, ई प्रिजन और ई कोर्ट लगभग पूर्ण तैयार है देश में योगदान करने के लिए। और अन्य 2 प्रणालियां ई प्रोसिक्यूशन और ई फॉरेंसिक, इसके लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। गुजरात में नेशनल एकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग की भी स्थापना हुई है। साइबर सुरक्षा में 14C आज अपने आप अपने तरीके का एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर साइबर क्राइम को रोकने के लिए बना है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को देश को समर्पित कर दिया जा चुका है और पॉपुलर बनाने की जरूरत है, परंतु बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और नेट ग्रिड भी शायद कोरोना ना होता तब तक राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री कर चुके होते, मगर मुझे आशा है कि कुछ ही समय में नेट ग्रिड को भी देश के प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल कर हमने बहुत अच्छा एक प्रयोग किया है। FCRA में भी आमूलचूर परिवर्तन कर FCRA के माध्यम से जो पैसा देश को अस्थिर करने के लिए आता था उस पर नकेल कसने का महत्वपूर्ण काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश की आंतरिक सुरक्षा ये देश का पुलिस बल संभाल रहा है, देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारे CAPF संभाल रहे हैं। और मैं 2.5 साल तक इस विभाग में काम कर सुनिश्चित हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ हमारे CAPF बॉर्डर को संभाल रहे हैं और जिस मुस्तैदी के साथ हमारा पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा को संभाल रहा है, हम बहुत सलामत हाथ में हैं। मगर चुनौतियां बदलती है, चुनौतियां बढ़ती हैं, बढ़ती हुई और बदलती हुई चुनौतियों में, चुनौतियों के पार कर 2 कदम अस्थिरता फैलाने वालों से आगे रहना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसमें BPRND का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। अगला एक दशक सुरक्षा के दृष्टि से, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, $5 trillion की इकोनॉमी का हमने लक्ष्य रखा है, ढेर सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ढेर सारे रिफॉर्म इकोनॉमी की साइड पर भी हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देश का तेजी से बढ़े इसलिए पॉलिसी के माध्यम से भी ढेर सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए।
और हमने सभी चुनौतियों का आकलन कर देश भर के पुलिस बल और हमारे सीएपीएफ ने हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और मैं मानता हूं कि उसमें बीपीआरएनडी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग का जो कंसेप्ट हमारे सामने रखा है उसको जमीन पर उतारना हमारा काम होना चाहिए। मैं फिर से एक बार 51 साल तक बीपीआरएनडी का जो योगदान है समस्त पुलिस बलों के बीच में कोऑर्डिनेशन का, उनके ट्रेनिंग का, उनके अपग्रेडेशन का और चुनौतियों के विषयों को मीटविच करने के लिए कई सारे अभ्यास करने का ये जो बीपीआरएनडी का योगदान है इसकी सराहना करता हूँ और आशा रखता हूँ 51 साल से आज आपका नया 50 साल शुरू हो रहा है। जब 100 साल संस्था के होंगे तब ये और रिलेवेंट होगी, और प्रासंगिक होगी और योगदान कर पाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं राज्य और केंद्र मिलकर टोटल 12 साल तक मंत्री रहा और 12 के 12 साल गृह मंत्री रहा। मैंने कई सारे अफसरों को पोस्टिंग के बाद मिला हूँ कई सारे अफसर को। पोस्टिंग एक काम होता है, कॉल ऑन करना एक सिस्टम होती है, आते हैं सभी लोग, मन से आते हैं, मन के बगैर आते हैं, सिस्टम के कारण आते हैं। मगर जब बीपीआरएनडी या ट्रेनिंग या ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है, मैंने हंसते हुए किसी को आते नहीं देखा। बालाजी श्रीवास्तव को मन से आते हुए देखा है और उन्होंने मन से कहा है कि बीपीआरएनडी के काम को बहुत मन से करना। हर काम मन से करने से ही परिणाम मिलते हैं। बालाजी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बाकी के कार्यकाल के लिए और आपके नेतृत्व में बीपीआरएनडी आगे बढ़े और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देती रहे, यही ईश्वर से अभ्यर्थना। भारत माता की जय।